नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आप लोग बताने वाला हूँ, अगर यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम पे कोई भी स्टोरी डाला है, स्टोरी मतलब यहाँ पे आपने हाईलाइट डाला है और वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, मतलब ओपन नहीं हो रहा है, लोडिंग नहीं बता रहा है, तो आज इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है और यहाँ पे मेरे भी फ़ोन में ये था, फिर यहाँ पे मैंने 3-4 सॉल्यूशन ट्राई दिया और यह प्रॉब्लम सॉल्व हो दिया। बट यहाँ पे जब भी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तभी यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए अभी यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये भी आप अपने फ़ोन में प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कीजिए, मतलब ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं बिना टाइम पास किए यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको चले जाना है, यहाँ पे आपने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्टार्ट से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक बार आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट भी ज़रूर कीजिए, रिस्टार्ट होने के बाद में एक बार आप देख लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है, एक बार यहाँ पे आप अपने सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद में, और हाँ फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन में यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन है, जैसे सेटिंग, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, फिर यहाँ पे जो भी मैं बताने वाला हूँ वो। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे दूसरा है, समझो आपके पास शाओमी का फ़ोन है, तो वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे सेटिंग में, स्टोरेज में, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। तो एक बार आप अपने फ़ोन में देख लीजिए और इस समय अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, समझो अगर आपको नहीं मिलता है तो। पहले तो मैं बता देता हूँ ये, फिर यहाँ पे सी ऑल 87 ऐप्स में, फिर यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी इंस्टाग्राम ढूंढ लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे इंस्टा इंस्टा इंस्टा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा इंस्टा। तो यहाँ पे इंस्टा पे चले जाना है और इंस्टा पे जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए यहाँ पे स्टोरेज एंड ऐप्स में, और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए आप अभी कौन से वर्जन पे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्जन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप ये पहली बार सुन रहे हो दे, बिकॉज यहाँ पे मैंने भी ये पहली बार ही सुना। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पर साइट पर पढ़ा थे यहाँ पे वर्जन से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक बार आप अपने वर्जन को चेक ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा है जैसे 163.0.0.6.1.2। तो आप अपने फ़ोन में देख लीजिए तो आप अभी कौन से वर्जन पे हो, और जो भी वर्जन पे हो वो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर यहाँ पे अगर समझो, ये तो मैंने बता दिया बहुत ही लंबा मेथड, अब ये समझो आपको एकदम शॉर्ट मेथड चाहिए, तो यहाँ पे आप चले जाइए यहाँ पे इंस्टा पे और लॉन्च प्रेस कीजिए, और फिर यहाँ पे आप चले जाइए यहाँ पे इन्फो में। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं जूम भी कर देता हूँ। फिर यहाँ पे इन्फो में चले जाइए और फिर यहाँ पे आप स्टोरेज एंड रैच में, और यहाँ पे आप ऑप्शन में आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फिर वही नंबर वर्जन जो मैंने बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये आप अपने फ़ोन में ट्राई ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए। फिर ये होने के बाद में यहाँ पे हम चले जाते हैं वापस इंस्टा में। इंस्टा जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जी यहाँ पे थ्री लाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको चले जाना है यहाँ पे सेटिंग में। ये जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से देखिए आप, अगर आप थोड़ा भी स्टेप मिस करोगे फिर मुझे मत बोलना भाई मेरे फ़ोन में नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने भी ट्राई किया है इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो आप भी ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे सेटिंग में, फिर यहाँ पे प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आप जैसे ही यहाँ पे आ जाओगे यहाँ पे आपको स्टोरी का ऑप्शन मिल जाएगा इंटरेक्शन में, तो यहाँ पे स्टोरी पे चले जाना है। स्टोरी पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो सेव स्टोरी टू आर्चिव है, तो ये आप ऑप्शन को आपको एनेबल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन मेरा एनेबल है, आप भी अपने फ़ोन में देख लीजिए तो ये ऑप्शन एनेबल है या नहीं है आपके फ़ोन में, तो एक बार आप भी इसे एनेबल कर दीजिए। फिर यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ और वो ये है, आपने ये जो भी हाईलाइट बनाया है वो प्रॉपर मेथड से बनाया है या नहीं। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी है जो हाईलाइट्स बनाते हैं, तो वो मैं इतना मतलब ट्रस्ट नहीं है मुझे उन पर। तो अगर आपको नहीं आता है हाईलाइट कैसे बनाए, तो यहाँ पे मैं आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था और उसमें बहुत सारे यूज़र को भी मुझे बताया थे यार थैंक यू भाई तूने ये बताया हाईलाइट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आई बटन में दे देता हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, दूसरा ये है, एक बार आप अपने फ़ोन में देख लीजिए तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है या नहीं है। अभी आप बोलो यार वो मैं कैसे ट्राई करूँ, पहला स्टेप आप अपना व्हाट्सअप पे इसे भी मैसेज भेज सकते हो और फिर देख सकते हो कि वो मैसेज दिया है या नहीं, उससे भी आप देख सकते हो, या आप सिंपल यूट्यूब पे चले जाइए। यूट्यूब पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो पेज एकदम प्रॉपर लोड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं इस पे चले जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बफर थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रॉपर चल रहा है। तो एक बार आप अपने फ़ोन में देख लीजिए तो आपका इंटरनेट कनेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाता है तो ये सर्विस बंद हो जाता है, वो लोड इन बताता है इंस्टाग्राम पर स्टोरी पे, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं दूसरा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने नोटिफिकेशन बार में चले जाइए और एक बार यहाँ पे आप अपना
एरोप्लेन मोड तो ऑन कीजिए और फिर वापस ऑफ कर दीजिए। अभी आप बोलोगे यार ये थोड़ी सॉल्यूशन है, ये इसलिए सॉल्यूशन भी तो यहाँ पे एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करने से यहाँ पे जो भी आपका नेटवर्क कनेक्शन होता है वो यहाँ पे सब डिसेबल हो जाता है और फिर वापस आप इसे ऑफ कर दीजिए। मतलब एक बार आपको ऑफ ऑन करना है फिर वापस इसे ऑफ कर देना है, फिर एक बार आप देख लीजिए दे वो स्टोरी चल रहा है या नहीं, मतलब वो लोडिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो वो भी आप एक बार अपने फ़ोन में ज़रूर देख लीजिए। फिर यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, यहाँ पे एक बार आप अपने प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बार आप अपने फ़ोन में देख लीजिए दे यहाँ पे ये ऐप अपडेट है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे अपडेट है, अगर आपका यहाँ पे अपडेट नहीं है तो आप इसे अपडेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे आपका अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसे अपडेट ज़रूर कर दीजिए और फिर एक बार देख लीजिए। फिर यहाँ पे मैं दूसरा मेथड इसमें ही है वो, एक बार समझो आपने अपडेट भी कर दिया फिर भी नहीं हो रहा है तो आपने ये एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से तो डाउनलोड नहीं दिया था, मतलब यहाँ पे ब्राउज़र से भी बहुत सारे APIs हैं इंस्टाग्राम पे, वो तो आपने डाउनलोड नहीं दिया था बिकॉज बहुत सारे तभी हो जाता है, तो आपने कौन सा भी APIs डाउनलोड कर दिया है और वो एरर आ जाता है, तो एक बार आप वो भी देख लीजिए। अगर समझो आपने APIs डाउनलोड किया है तो एक बार आप बस इसे अनइंस्टॉल दीजिए फिर वापस इंस्टॉल कर दीजिए, फिर देख लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अभी यहाँ पे समझो आपने ये सब कर दिया है तो यहाँ पे लास्ट मेथड लास्ट सॉल्यूशन है वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए, वो ये है यहाँ पे आप अपने फ़ोन में चले जाइए, इंस्टाग्राम ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में एक बार आप इस ID को लॉग आउट कीजिए और फिर वापस लॉग इन कर दीजिए और फिर देख लीजिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। लॉग आउट करना है फिर वापस लॉग इन करना है और देख लेना है कि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में सॉल्व हुआ या नहीं हुआ और फिर एक बार आप अपने देख लीजिए दे स्टोरी हाईलाइट वाला लोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी आप अपने फ़ोन में ज़रूर चेक कीजिए। और समझो अदर फ्रेंड्स ये जो मैंने वो सेविंग वाला बताया, अगर आप तो वो आपके फ़ोन में नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप 3 लाइन पे चली जाइए। 3 लाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टोरी, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे आप स्टोरी सर्च करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्टोरी के नाम से, तो यहाँ पे स्टोरी पे चले जाना है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सेविंग और वही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर समझो आपको नहीं मिलता है, जैसे मैंने पहले बताया था सबका फ़ोन डिफरेंट होता है, सेटिंग डिफरेंट होता है, तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने बता दिया सर्च करते। तो फ्रेंड्स ये सब सॉल्यूशन था, ये सब सॉल्यूशन आप अपने फ़ोन में ज़रूर ट्राई कीजिए और कुछ भी नहीं समझता है या कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ jane.mayur1। आप मुझे मैसेज डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो आप जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अगर आपको डायरेक्ट बात करना है तो मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊँगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही।